राजनीति में भले ही मंचों और टीवी चैनलों पर नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हों, लेकिन इससे अलग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड एक ऐसी घटना है जिसने मुलायम और मायावती को एक दूसरे का राजनीतिक जानी दुश्मन बना दिया था। दोनों एक दूसरे को देखना तो दूर, नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, कभी एक दूसरे के सामने आना भी नहीं चाहते। लेकिन एक बार फ्लाइट में अचानक मुलायम और मायावती का आमना सामना हो गया। सीट भी दोनों को आसपास ही मिली, इससे दोनों नेताओं के सुरक्षा अधिकारियों की चिंता बढ़ गई थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम आपको सबसे पहले गेस्ट हाउस कांड बताते हैं। दरअसल 1993 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बसपा प्रमुख कांशीराम से गठबंधन किया था। उस समय यूपी और उत्तराखंड एक ही थे और विधानसभा में सीटों की संख्या 402 की तरह 422 थी। मुलायम सिंह यादव की सपा 256 सीट और बसपा 164 सीटों से चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटों पर जीत मिली। समझौते के अनुसार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। दो साल के अंदर ही सपा बसपा के बीच खींचतान शुरू हो गई। इस बीच मायावती और बीजेपी के बीच गठबंधन की बातें मुलायम को पता चली। बीजेपी की तरफ से बसपा को समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की बातें होने लगी। मुलायम को पता चला कि सपा से समर्थन वापस लेने के लिए 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही हैं। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। सपा और बसपा के नेताओं के बीच गेस्ट हाउस पर मारपीट शुरू हुई। मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें छिपना पड़ गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस वक्त उनके साथ दो और लोग भी कमरे में थे, इसमें एक सिकंद रिजवी थे। बाहर सपा नेताओं का जमावड़ा बढ़ गया, दरवाजा खुलवाने के लिए पूरी जोर लगा दी गई। वहीं कमरे के भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे को सोफे और मेज से जाम कर दिया, जिससे चटकनी टूटने के बावजूद भी दरवाजा न खुल सके। बसपा ने आरोप लगाया कि सपा नेताओं ने मायावती को जान से मारने का प्रयास किया। अजय बोस ने अपनी किताब बहनजी में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है। इसके मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने मायावती को कमरे में बंद करके पीटा और उनके साथ काफी गलत काम किया। इसी घटना के बाद मुलायम और मायावती में अदावत दो नेताओं की नहीं बल्कि दो दुश्मनों जैसी बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते, न कभी एक दूसरे का नाम सार्वजनिक रूप से लेते थे। गेस्ट हाउस कांड के बाद कोई नहीं कह सकता था कि मुलायम और मायावती का फिर कभी आमना सामना हो सकता है, लेकिन सहयोग कुछ भी करा सकता है। एक फ्लाइट में मुलायम और मायावती का आमना सामना हो गया, दोनों की सीट भी आसपास थी। तब मायावती के सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने सपा नेताओं से बात की और पहले मुलायम सिंह को फ्लाइट में बैठाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद मायावती आई और अपनी सीट पर बैठ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को पूरे रास्ते नजर उठाकर भी नहीं देखा, यहाँ तक कि अखबार उठाकर पढ़ने में व्यस्त रहे ताकि गलती से भी नजर न मिलाए। पूरे रास्ते भले ही दोनों ने एक दूसरे से नजर नहीं मिलाए, लेकिन फ्लाइट लैंड करने के बाद गलियारे में दोनों एक दूसरे के फिर आमने सामने हो गए। इस पर मुलायम ने हाथ जोड़कर मायावती से कहा कि बहन जी आप पहले जाइए। इस पर मायावती ने कहा कि नहीं नहीं आपकी सीट आगे है, आप पहले जाइए। इस पर मुलायम ने पूरे सम्मान के साथ कहा कि आप मेरी बहन हैं, इसलिए पहले आप जाइए। और मुलायम के आग्रह पर पहले मायावती फ्लाइट से नीचे उतरी। गेस्ट हाउस कांड के करीब ढाई दशक बाद मायावती और मुलायम के बीच जमी रिश्तों की बर्फ 2019 में पिघली, जब अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष बन चुके थे। मोदी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश की सपा ने मायावती की बसपा से गठबंधन किया। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव भी मंच पर उतरे और मायावती के साथ साझा रैली को संबोधित किया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।